पे देखिए एक इंच भी मेरा गाड़ी पीछे नहीं जाएगा और यहाँ पे ब्रेक रिलीज कर देना है। और देखिए मेरा गाड़ी आसानी के साथ और सिंपल वे मेरा गाड़ी चढ़ गया। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो भाई साहब, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चढ़ाई जो रहता है, चढ़ाई ऊंचाई, उस पर गाड़ी कैसे चढ़ाना है। अगर आप ट्रैफिक वाले एरिया में फंस जाते हैं तो उस पर आपको गाड़ी कैसे कंट्रोल करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इसमें एकदम सिंपल टिप्स बताने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा और आसानी के साथ आप सीख भी जाएंगे और कहीं पर आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे और कहीं पर भी चढ़ाई पर आपकी गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं होगी, चाहे ट्रैफिक में वाले एरिया में हो या बिना ट्रैफिक वाले एरिया में हो। आप आसानी के साथ और सिंपल वे में चढ़ जाएंगे और आप एक परफेक्ट ड्राइवर भी बन जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है ना। जब भी आप ट्रैफिक वाले एरिया में चढ़ाई के ऊपर चढ़ते हैं तो आपका आगे भी गाड़ी रहता है ना और पीछे भी गाड़ी रहती है। और क्या होता है कि ट्रैफिक वाले एरिया में भाई साहब बार बार क्लच ब्रेक, कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो मान के चलिए आपकी गाड़ी वहाँ पर रुक गई, आगे भी गाड़ी और पीछे भी गाड़ी है। अगर आपको फिर वहाँ रोक के गाड़ी आगे बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ाएंगे, है ना कन्फ्यूज़न। जैसे ही आप गाड़ी रोकेंगे और उसके बाद ब्रेक छोड़ेंगे, गाड़ी आपके पीछे भागेगी और पीछे आपकी दूसरी गाड़ी से टकरा जाएगी, हो जाएगा आपका उससे झगड़ा। या आप ब्रेक छोड़ के एक्सलेटर दबा देते हैं तो इससे आपका भी नुकसान होने वाला है। हाँ, तो ट्रैफिक वाले एरिया में चढ़ाई पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं आपको एक्सलेटर दबाना है, नहीं आपको अचानक से क्लच छोड़ना है, ठीक है, सॉरी अचानक से आपको ब्रेक छोड़ना है। ब्रेक छोड़िएगा पीछे टच होगी, क्लच दबाइएगा आगे टच होगा, तो आपका नुकसान होगा और एक्सीडेंट होगा ना, तो काफ़ी ज़्यादा आप परेशानी में पड़ जाओगे। तो मैं आपको एक टिप्स बता देता हूँ, ये टिप्स हर जगह आपका काम करेगा। तो पहले मैं आपको बोल के बता देता हूँ, उसके बाद आपको मैं चढ़ाई वाले एरिया में प्रैक्टिकल करके भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको वहाँ पे गाड़ी कंट्रोल करना है। तो भाई साहब, जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं ट्रैफिक वाले एरिया में और आपको आगे गाड़ी चढ़ाना रहता है ऊपर और आप बीच में गाड़ी आपकी रुक गई, तो आपको क्या करना है पता है, आपको क्लच दबा के और ब्रेक दबा के गाड़ी रोक देना है ना। सिंपल सी बात, फर्स्ट स्टेप, गाड़ी को आपको रोकना है क्लच दबा के और ब्रेक दबा देना है। गाड़ी आपकी जैसी ही रुकी उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अचानक क्लच नहीं छोड़, अचानक ब्रेक नहीं छोड़ना है आपको और ना ही जल्दी से आपको एक्सेलरेटर दबाना है। आपको क्या करना है पता है, आपको क्लच दबाए रखना है और ब्रेक दबाए रखना है और धीरे धीरे हल्का हल्का क्लच रिलीज करना है। तो क्लच के बाइटिंग पॉइंट के बारे में आपको बताए हुए हैं, एक हमारा वीडियो है, प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा, वो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्लच का बाइटिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर वही बाइटिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ना। तो आपको क्लच छोड़ते रहना, धीरे धीरे एक बाइटिंग पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपका क्लच छोड़ते हैं और एक बाइटिंग पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी और आपका गाड़ी वाइब्रेट होगा और आपको ब्रेक दबाए रखना है। सुन लीजिए एक बार फिर से, आपको ब्रेक दबाए रखना है और हल्का हल्का क्लच छोड़ना है। एक पॉइंट क्लच का ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, कहने का मतलब वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का क्लच छोड़ते रहना है और हल्का हल्का आपको जो है ब्रेक भी रिलीज करते रहना है। इससे जैसे ही ब्रेक हल्का हल्का रिलीज कीजिएगा आपका गाड़ी आगे बढ़ने लगेगा और आसानी के साथ आप गाड़ी पिक कर लेंगे, आपकी गाड़ी एक इंच भी पीछे नहीं जाएगी और ना ही दूसरे को परेशानी होगी और ना ही आपको परेशानी होगी। तो चलिए आपको हम एक बार प्रैक्टिकल करके बता देते हैं और आपके लिए आसान और सिंपल वे में बता देते हैं कि आप भाई साहब चढ़ाई पे गाड़ी को कैसे पिक करना है, रोकना है और कैसे पिक करना है ना। तो चलिए आप एक बार हम चलते हैं प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं। तो देखिए भाई साहब, हम प्रैक्टिकल करके आपको लेके आए हैं कि गाड़ी को चढ़ाई पे कैसे चढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे चढ़ाई है, उतना ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है लेकिन है थोड़ा बहुत चढ़ाई, ये आपको हम बता देंगे यहाँ पे कैसे गाड़ी चढ़ाना है। तो इसके बाद हम आपको ट्रैफिक वाला एरिया जो है उसमें अगला वीडियो आएगा तो ट्रैफिक वाले एरिया में भी कंट्रोल करना बताएंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई है, उस पे चढ़ा के आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे चढ़ाई वाला एरिया है और यहाँ पे गाड़ी हमको चढ़ाना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट गियर में गाड़ी लगा लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक्सेलरेटर की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, आपको क्लच पे चढ़ाना है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे गाड़ी थोड़ा सा मेरा चढ़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे भी गाड़ी है और पीछे भी गाड़ी है, यहाँ पे हम गाड़ी रोक दिए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेटर दबाते हैं और ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर दबाते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी आगे भागेगी और आगे भी गाड़ी है तो इसलिए एक्सीडेंट का कारण होगा। अगर आप ब्रेक छोड़ते हैं तो पीछे गाड़ी भागेगी, ठीक है।
करना, तो है ना ये मुश्किल वाली बात, काफ़ी मुश्किल वाली बात है। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि गाड़ी हम कैसे पिक करें भाई साहब, है मुश्किल आपके लिए, खास करके नए लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए हम क्लच और ब्रेक दोनों प्रेस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे 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 हल्का हल्का आपको जो है क्लच रिलीज़ करना है। क्लच का जो बाइटिंग पॉइंट आएगा, कहने का मतलब ये हो गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा क्लच छोड़ते छोड़ते जहाँ पे आपका गाड़ी वाइब्रेट करेगा और गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, धीरे धीरे हल्का हल्का आपको जो है क्लच रिलीज़ करते रहना है और आपको हल्का हल्का ब्रेक भी रिलीज़ कर देना है। इससे क्या होगा, आपका गाड़ी वहाँ पर पिक हो जाएगा। फिर आपको अगर रोकने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भाई साहब यहाँ पर क्या करना है, ब्रेक और क्लच दोनों फुल्ली प्रेस करके प्रेस कर देना है। आपका गाड़ी वहीं रुक जाएगा और आपका गाड़ी आगे पीछे नहीं भागेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ से गाड़ी कैसे पिक करेंगे। ब्रेक छोड़ेंगे तो पीछे भागेगा, एक्सेलरेटर लेंगे तो गाड़ी आगे भागेगा, तो आगे पीछे तो है गाड़ी, इसलिए हम ना ही स्पीड में पीछे जा सकते हैं और ना ही स्पीड में आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ब्रेक दाबे हुए हैं और क्लच धीरे 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 छोड़ रहे हैं और गाड़ी देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मेरा गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो धीरे 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 हल्का हल्का यहाँ पे हमको जो है ब्रेक रिलीज़ कर देना है, ठीक है ना। और हल्का सा क्लच चाहिए तो आप रिलीज़ कीजिए, पूरा रिलीज़ नहीं कीजिएगा। देखिए गाड़ी मेरा आगे बढ़ गया और आसानी का सिंपल से क्रॉस कर गया। देखिए यहाँ पे फिर हम रोक लिए, मान के चलिए आगे गाड़ी आ गया, फिर हम रोक लिए। तो क्या बताएं आपको, सिंपल वे में ढलाई पे जब भी आप ट्रैफिक में चढ़ना हो और गाड़ी बीच में रोकने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एक्सेलरेटर नहीं दबाना है, ब्रेक और क्लच दबा के गाड़ी को एकदम रोक लेना है और आगे बढ़ना है आपको। तो क्या करना है, ब्रेक नहीं छोड़ना है, ब्रेक छोड़िएगा तो गाड़ी सीधा आपका पीछे भागेगा, क्योंकि ढलाई पे है, चढ़ाई पे है आप, तो गाड़ी पीछे भागेगी, पीछे गाड़ी है, नुकसान हो जाएगा पीछे वाले का और आपका तो नुकसान होना तय है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक दाबे रखना है और हल्का हल्का जो है क्लच का काम यहाँ पे ज़्यादा है। क्लच आप जैसे ही छोड़ेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे आपका गाड़ी आगे बढ़ने का कोशिश करेगा, तो भाई साहब वही क्लच का बाइटिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे गाड़ी आपका वाइब्रेट करेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लच रोक देना है और धीरे धीरे हल्का हल्का आपको ब्रेक रिलीज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका गाड़ी आसानी के साथ और सिंपल वे में गाड़ी आपका चढ़ जाएगा, कहने का मतलब आगे बढ़ जाएगा और आपका गाड़ी एक इंच भी पीछे नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार आपको हम फिर बताते हैं। देखिए धीरे धीरे हम ब्रेक दाबे हुए हैं, सॉरी पूरा ब्रेक दाबे हुए हैं और धीरे धीरे क्लच छोड़ रहे हैं। देखिए अब देखिए एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरा गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है और गाड़ी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो हल्का हल्का हमको ब्रेक जो है रिलीज़ कर देना है। देखिए गाड़ी एकदम आसान से बिना एक्सीलरेटर का गाड़ी यहाँ पे ढलाई पे चढ़ रहा है, इसलिए आपको इसी तरह से कंट्रोल करना है। तो एक बार आपको हम जो है गाड़ी को बाहर भी ले, मतलब गाड़ी के बाहर से भी वीडियो बना के दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब आपको हम गाड़ी के बाहर से वीडियो बना करके दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे गाड़ी को चढ़ाई पे चढ़ाना है। कट, एक्सेलरेटर नहीं दबाना है आपको, हल्का हल्का क्लच छोड़ना है। आपका गाड़ी यहाँ पे चढ़ गया और मान के चलिए यहाँ पे ट्रैफिक वाले एरिया में आपका आगे भी गाड़ी है, पीछे भी गाड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल वे में आपको गाड़ी रोकना है, मतलब आगे भी गाड़ी है पीछे भी गाड़ी है और ट्रैफिक वाला एरिया तो गाड़ी को रोकने की ज़रूरत पड़ेगी और चढ़ाई पर हैं आप, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल वे में आपको क्लच और ब्रेक दोनों दबा के गाड़ी को रोक लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको गाड़ी आगे कैसे पिक करना है तो वो भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ब्रेक छोड़ेंगे तो देखिए मेरा गाड़ी पीछे भाग रहा है ना, और एक्सेलरेटर लेंगे, एक्सेलरेटर दबाएंगे तो मेरा गाड़ी आगे भागेगा और ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी देखिए पीछे आ गया। तो आप ये गलती करेंगे तो आपका गाड़ी ठुक सकता है आगे पीछे, भाई लगेगा ही लगेगा क्योंकि ट्रैफिक वाला एरिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल वे में आपको जो है क्लच धीरे धीरे रिलीज़ करना है और ब्रेक दाबे रखना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपका गाड़ी वाइब्रेट करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, धीरे 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 हल्का हल्का, चलिए पहले थोड़ा सा हम ढलाई पर चढ़ा लेते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ढलाई पे चढ़े हुए हैं, सॉरी चढ़ाई पे चढ़े हुए हैं, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वे में हल्का हल्का आपको क्लच छोड़ना है और आपका गाड़ी जैसे ही हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा और आगे बढ़ने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे आपकी गाड़ी को जो है सिंपल वे में, कहने का मतलब ये होगा कि ब्रेक को हल्का हल्का रिलीज़ कर देना है। सुन लीजिए एक बार फिर से गौर से, आपको क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका गाड़ी वाइब्रेट करेगा, यहाँ पे आपको कहने का मतलब हुआ कि ब्रेक दाबे रखना है और क्लच का एक पॉइंट आएगा धीरे धीरे छोड़िएगा वहाँ पे आपका गाड़ी वाइब्रेट करेगा। तो देखिए हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए एक इंच भी मेरा गाड़ी पीछे नहीं जाएगा और यहाँ पे ब्रेक रिलीज़ कर देना है और देखिए मेरा गाड़ी आसानी के साथ और सिंपल वे में मेरा गाड़ी चढ़ गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वे में आपका गाड़ी चल रहा है ना। तो
आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या वीडियो कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यही टेक्निक अपना के आपको ट्रैफिक में चढ़ाई पे गाड़ी को कंट्रोल करके चढ़ाना है।